आज ओडिशा आसछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कटक रो रेभिन्सा बालिका विद्यालय 150वां पूर्ति उत्सव में जोगदेव से वर्तमान विमानबंदर पहुंचा पर भव्य स्वागत करपराह बारंग भारत विकास संकल्प जोगदेव वर्तमान जो कार्यक्रम रही कटक रेभिन्सा बालिका विद्यालय 150वां पूर्ति उत्सव से जोगदेव भुवनेश्वर आसी पहुंचा शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भव्य स्वागत करा ओडिशारे पहुंचा केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कटक रेभिन्सा बालिका विद्यालय 150वां पूर्ति उत्सव से जोगदेव अपराह कार्यक्रम रही बारंग भारत विकास संकल्प यात्रा रे जोगदेव ई विकास संकल्प यात्रा जो थी कि केन्द्र सरकार विभिन्न लोकाभिमुखी व जनअभिमुखी जो योजना रही लोकों पाखे केमी पहुँचे केन्द्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क से उद्देश्य रखी संकल्प यात्रा अनुष्ठित होती तेज तापूर्वर 150वां पूर्ति उत्सव कटक रेभिन्सा बालिका विद्यालय से कार्यक्रम में जोगदेव केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो से भुवनेश्वर विमानबंदर पहुँची सारी वर्तमान भव्य स्वागत सहित 9.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं से विकास की योजनाओं से इस देश से गरीबी काफी कम हुई है और आज महिलाओं के लिए युवाओं के लिए मजदूरों के लिए गरीबों के लिए वंचितों के लिए किसानों के लिए सबके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिससे लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास के भागीरथ हैं जिनके भागीरथ प्रयास से विकास की गंगा गांव गांव घर घर शहर शहर पहुंच रही है और लोगों के जीवन में जो रोजमर्रे तक की जरूरतों की भी पूर्ति नहीं होती थी वह आज पूर्ति हो रही है। आज इस प्रकार की योजनाओं से युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है और आज पूरा देश के दिलों में देशवासियों के दिलों में माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के दिल में यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में 135-140 करोड़ देशवासी हैं। 2024 में पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाएगी। आज मैं उड़ीसा के दौरे पे आया हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा है ढेंकानाल जिले के हिंडौल में, वहाँ के कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ उड़ीसा में जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और यहाँ आज लोग भय के वातावरण में हैं। जो भी यहाँ उड़ीसा का विकास हो रहा है वह मोदी सरकार की केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है। धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।